खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एसटीएफ और पुलिस ने एक ट्रक सहित दो शराब तस्करों को पकड़ा है। दरअसल ट्रक में तरबूज भरे थे, लेकिन और अंदर देखा तो उसमें 250 शराब की पेटियां थी। ये शराब बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। बिहार में भले ही औपचारिक रूप से शराबबंदी हो, लेकिन शराब तस्करी का नेट पूरी तरह से एक्टिव है। शराब तस्कर कोई न कोई त्रिकर्म कर बिहार में शराब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस की टीम ने शराब की पेटियों से भरे ट्रक बुधवार सुबह 4 बजे कल्याणपुर इलाके में पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब ट्रक की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में तरबूज भरे थे, लेकिन जब अंदर देखा गया तो आधे ट्रक में शराब की पेटियां भरी थी। एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के निरीक्षक शरीन कुमार और उनकी टीम व उनके साथ कल्याणपुर थाने के उप निरीक्षक रवि कुमार की टीम ने दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों में एक व्यक्ति बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पंजाब से अवैध रूप से 250 पेटी शराब ट्रक में भरकर बिहार ले जा रहे थे। दिनांक 12/4/2023 को सुबह लगभग 4 बजे थाना कल्याणपुर पुलिस तथा यूपी एसटीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने एक डीसीएम व्हीकल जो अवैध शराब से भरा हुआ था, जिसमें लगभग 250 पेटी शराब थी, को पकड़ा। यह शराब पंजाब के मोहाली से मुजफ्फरपुर बिहार को ले जाई जा रही थी। इसमें चालक और सहचालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा, जिससे अभी पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी अभी प्राप्त हुई हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसको आगे डेवलप कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसमें मुकदमा सुसंगत धाराओं के अंदर पंजीकृत कर लिया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।